एक बार की बात है, गांव के कुछ मनचले एक लड़की को रोज परेशान किया करते थे। रोज रोज की छेड़खानी से तंग आकर एक दिन वो लड़की गांव की नदी में कूद जाती है। अरे ये क्या, ये लड़की तो अपनी जान देना चाहती है, मुझे इसे बचाना होगा। फिर हीरा भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद जाता है और किसी तरह उस लड़की की जान बचा लेता है। ये सब घटना वहाँ पेड़ पर रह रही चुड़ैल देखती है। तो उसे हीरा से प्यार हो जाता है और वो एक सुंदर सी औरत का भेष बदल कर हीरा से शादी करके उसके साथ उसके घर में रहने लगती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उनके घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है। हीरा बच्ची को गोद में लेकर बहुत खुश होता है, लेकिन रेशमा मन ही मन डर रही होती है। अरे रेशमा क्या हुआ, देखो ना, भगवान ने हमें कितनी सुंदर बिटिया दी है। रेशमा मन ही मन सोचती है, मैंने तो खुद पर काबू पा लिया है, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है, कहीं गांव वालों को पता चल गया कि ये चुड़ैल है तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ ही दिनों में रेशमा की बेटी दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। एक दिन वो गांव के बच्चों के साथ खेल रही होती है। अरे सुमन देख तो सही, ये रेशमा की बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई है, इसकी उम्र के बाकी बच्चे तो इसके आगे बौने लग रहे हैं। तभी खेलते खेलते जैस्मिन को गुस्सा आ जाता है और वो एक बच्चे की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। आई मम्मी बचाओ बचाओ, आ, 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 मर गया रे। अरे अरे जैस्मिन मुझे माफ कर दो, मैं आगे से चीटिंग नहीं करूँगा, तुम फिर से अपनी बारी ले लो। फिर उस बच्चे की आवाज सुनकर रेशमा भागती हुई जाती है और जैस्मिन से उस बच्चे को छुड़वाती है। अरे भागो रे, अरे आई मम्मी, मम्मी ओ हाय जान बटा आई। जैस्मिन ये तुम क्या कर रही थी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कभी किसी भी बच्चे को हाथ मत लगाना। लेकिन माँ उसने मेरे साथ चीटिंग की, मैंने तो सिर्फ उसे हल्का सा हाथ ही लगाया था और वो मम्मी मम्मी करके रोने लगा। बेटा तुम आम बच्चों की तरह नहीं हो, तुम इन सबसे अलग हो। मैं इनसे अलग कैसे हूँ माँ? जैस्मिन के सवालों का जवाब रेशमा नहीं दे पाती और उसे घर के अंदर ले जाती है। फिर एक दिन रेशमा जैस्मिन के बाल बना रही होती है। माँ माँ आज मेरी दो चोटी करो ना। नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हारे बाल इतने लंबे नहीं है कि दो चोटी हो सके। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं, तभी पड़ोस के घर में से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। अरे मर गई रे, हाय रे, कोई मेरे बालों पर उस तरह फेर कर मुझे गंजा कर गया रे, हाय रे मैं तो गंजी हो गई, मोया कोई अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे बाल ही ले गया। अरे रेशमा ये कैसा शोर है भला, ये औरत इतना रो क्यों रही है? अजी आप सो जाइए, मैं देखती हूँ। फिर रेशमा उस औरत के पास जाती है। उस औरत को गंजा देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे बहन ये क्या हुआ, तुम्हारे बाल कहाँ गए, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे क्या बताऊँ बहन, कोई कमबख्त अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे बाल ही काट कर ले गया। फिर रेशमा हैरान परेशान होकर वापस अपने घर आ जाती है और जैस्मिन के कमरे में झांक कर देखती है तो जैस्मिन सो रही होती है। फिर सुबह होने पर जैस्मिन फिर से अपनी माँ के पास बाल बनवाने आती है। माँ माँ आज तो मैं आपसे दो चोटी करवा कर ही रहूंगी। अरे बाबा कल ही तो बताया था कि तुम्हारे बाल अभी इतने बड़े नहीं हुए कि दो चोटी हो सके। फिर रेशमा जैस्मिन के बाल बनाने लगती है, लेकिन ये क्या, एक चोटी बनाने के बाद भी जैस्मिन के बाल खुले रह जाते हैं। देखो माँ इन बालों की एक और चोटी बना दो। ये कैसे हो सकता है, कल तो एक ही चोटी बनी थी, ये रात रात में बाल बढ़ कैसे गए? फिर जैस्मिन दो चोटी बनवा कर बाहर खेलने चली जाती है। रात होने पर गांव में अचानक से चीख पुकार मच जाती है। अरे मर गई रे, मेरे बाल कौन काट कर ले गया, अरे गांव वाले जल्दी आओ, देखो कोई नाच पिटा मेरे बालों को काट कर ले गया। अजी जल्दी उठिए, ये देखिए कोई आपकी पत्नी को अंधेरे में गंजा करके चला गया और आप घोड़े बेचकर सोते रह गए।
अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं किसी को अपना मुख कैसे दिखाऊंगी। फिर ये सब चीख पुकार सुनकर रेशमा और हीरा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे जग्गू भाई, ये तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ? इनके बाल कहाँ गए? पता नहीं भाई, मैं तो सो रहा था, रात के अंधेरे में कोई आया और इसके बालों पर उस तरह फेर के चला गया। रेशमा भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन है जो गांव की औरतों को गंजा कर रहा है। फिर अगले दिन जब जैस्मिन अपने बाल बनवाने माँ के पास आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैस्मिन के बाल कई फीट बढ़ चुके होते हैं। अरे जैस्मिन, ये क्या, तुम्हारे बाल रातों रात इतने कैसे बढ़ गए? माँ, आप तो जानती ही हैं मुझे बड़े बालों का कितना शौक है। अब मैं बालों को खुला ही रखूंगी। फिर इतना बोलकर जैस्मिन बाहर बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। उसके लंबे बाल देखकर उन गंजी औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनका शक यकीन में बदल जाता है। अरे दैया रे दैया, जरा इसके बाल तो देखो, कल तक तो कितने छोटे थे, रात रात में कितने बढ़ गए। तभी रेशमा भागती हुई जाती है और जैस्मिन को वापस अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। अरे रेशमा, ये जैस्मिन के बालों को क्या हुआ, एकदम से इतने लंबे कैसे हो गए? ये तो नामुमकिन है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? अजी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रेशमा हीरा को कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी गांव के लोग उनके घर पर हमला कर देते हैं। मारो मारो, ये जैस्मिन जरूर एक चुड़ैल है, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे कमबख्त, मुझे गंजा करके खुद इतने बड़े बाल करके घूम रही है, तुझे शर्म नहीं आई? खोल दरवाजा, अब कहाँ छुप कर बैठी है, खोल। हाँ भाइयों, आज इस चुड़ैल को सबक सिखा कर ही रहेंगे, मारो मारो। अरे ओ गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को चुड़ैल बुलाते हो, वहीं रुको, अभी एक एक को सबक सिखाता हूँ। फिर हीरा लाठी लेकर घर से बाहर जाने लगता है, तभी रेशमा उसे रोक लेती है। नहीं रुक जाइए, आप बाहर मत जाइए, बाहर आपकी जान को खतरा है। अरे रेशमा तुम डरो नहीं, मैं अभी इन गांव वालों को सबक सिखा कर आता हूँ। फिर इतना बोलकर हीरा बाहर निकल जाता है। उसके बाहर पहुँचते ही सभी गांव वाले उसे लाठी डंडों से मारने लगते हैं। मारो मारो, इसे जिंदा नहीं छोड़ना है, आज इसके पूरे परिवार को मार कर ही दम लेंगे। फिर रेशमा हीरा को बचाने के लिए घर से बाहर दौड़ पड़ती है। लगता है अब मुझे असली रूप में आना ही होगा, नहीं तो ये लोग इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर रेशमा अपने असली चुड़ैल के रूप में आने की कोशिश करती है, लेकिन वो रूप नहीं बदल पाती। अरे ये क्या, मैं चुड़ैल क्यों नहीं बन पा रही? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं चुड़ैल नहीं बनी तो इनकी जान नहीं बचा पाऊंगी। फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी रेशमा चुड़ैल का रूप नहीं ले पाती। फिर उसे ध्यान आता है, शायद जैस्मिन के जन्म लेते ही उसकी सारी शक्तियां जैस्मिन में चली गई हैं। फिर वो भागते हुए घर के अंदर जैस्मिन के पास जाती है। जैस्मिन चलो, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी जरूरत है, जल्दी चलो नहीं तो गांव वाले उन्हें मार डालेंगे। फिर वो दोनों भागते हुए बाहर जाती हैं। गांव वाले अभी भी हीरा पर डंडों की बरसात कर रहे होते हैं। जैस्मिन तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम्हारे बाबा को आज तुम्हारी जरूरत है, अपनी शक्तियों को पहचानो बेटा। तभी अपने बाबा की हालत देखकर जैस्मिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों को पहचान जाती है और उसका आकार बढ़ने लगता है। ये सब देखकर गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। अरे मार गए रे, ये जैस्मिन तो सच में चुड़ैल निकली, अरे अरे अब क्या होगा। ए छोड़ मेरे बाबा को, अगर किसी ने उन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की तो उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूंगी। फिर जैस्मिन का गुस्सा देखकर सब गांव वाले उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जैस्मिन बेटा शांत हो जाओ, अब मैं ठीक हूँ। फिर अपने बाबा को सही सलामत देखकर जैस्मिन का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपना आकार छोटा कर लेती है। फिर रेशमा सभी गांव वालों को यकीन दिलवाती है कि जैस्मिन से किसी को कोई खतरा नहीं होगा, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ गांव की भलाई के लिए ही करेगी। फिर जैस्मिन अपनी शक्तियों से सब औरतों के बाल उन्हें वापस लौटा देती है और उस दिन के बाद जैस्मिन गांव के सभी बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।